बिहार विधानसभा ने बजट सत्र के दौरान सर्वसम्मति से राज्य में एनआरसी को लागू नहीं करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में 2010 के प्रावधानों के मुताबिक ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर लागू करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 में अंकित कंडिकाओं से संबंधित सूचनाएं ही प्राप्त की जाए, साफ तौर पर लिखा गया, जिससे आम व्यक्तियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 का कार्यान्वयन सुगमता पूर्वक निर्धारित समय के अंतर्गत संपन्न हो सके, ये राज्य सरकार ने साफ साफ तौर पर लिख करके संसूचित कर दिया है कि 2010 पर ही होना चाहिए। विदित हो कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 को तैयार करने के संबंध में अनुसूचियों के माध्यम से सभी व्यक्तियों से जानकारी सूचना एकत्र करने हेतु पूछे जाने वाले प्रश्नों का विवरण अभी केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, जिसकी चर्चा हुई है अभी वो अधिसूचित नहीं है। अतएव अनुरोध है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर की सूचना का समावेश करते हुए पूर्व में संपन्न किए गए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 के विहित प्रपत्र में अंकित मदों पर ही शेष सूचनाओं का संग्रह किए जाने के संबंध में अधिसूचना निर्गत करने की का सरकार का भी, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है भाई। इस मामले में कभी सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे राजनीतिक रणनीतिकार और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने सीएम को धन्यवाद दिया है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा, एनपीआर एनआरसी पर अपनी बात पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार जी धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही प्रशांत ने सीएम नीतीश को नसीहत भी दे डाली। उन्होंने लिखा कि लेकिन इससे परे बिहार के हित और हमारे आसपास के सामाजिक सौहार्द से जुड़े बड़े मुद्दे हैं। हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि आप अंतरात्मा के साथ खड़े रहें और यही दोनों बातें मायने रखती हैं। आपको बता दें कि 29 जनवरी को पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने के आरोप में प्रशांत किशोर को जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया था। न्यूज़ डेस्क।